हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास टेंथ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर यूनिट चल रही थी 7.1। 7.1 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, आज पढ़ेंगे 7.2। तो यूनिट 7.2 पढ़ने से पहले उसके बेसिक फॉर्मूले क्लियर करेंगे अपन। अगर अपन ने बेसिक फॉर्मूले क्लियर कर लिए तो अपनी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो देखो, जिस प्रकार अपन ने यूनिट नंबर 7.1 में क्या पढ़ा था, दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दूरी का फॉर्मूला। वो भी कौन सी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मेट क्या था? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू क्या थे? बिंदु थे। जैसे ये अपना कोई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, जिसके अंदर मान लो मैंने कोई बिंदु ले लिया ए, तो इसके निर्देशांक बिंदु कितने हैं? एक्स वन वाई वन। ठीक है, कोई अन्य बिंदु है बी, इसके बीच में, ठीक है, अपन दूरी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे, या फिर अपन ने किया था इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मेट अपन ने निकाला था। तो 7.1 प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला था, और वो किसका था? दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या फॉर्मेट था? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली नंबर 7.2। इसमें क्या होगा? इसमें विभाजन का फॉर्मूला होगा। किसका? विभाजन का, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसको अपन अब पढ़ते हैं। देखो क्या होता है विभाजन सूत्र। तो अपन पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अंतर विभाजन, ठीक है, और जो सेकेंड नंबर होता है ये होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन। तो आपके सिलेबस में ओनली फॉर कौन सा है? अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन आपको नहीं पढ़ना है। देखो विभाजन सूत्र क्या होगा, ये है अपना कोई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके अंदर क्या ले लिया अपन ने? एक बिंदु ले लिया। सबसे पहले इधर समझो, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा कि कोई रेखाखंड है और इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब इसको अपन तोड़ना चाहें तो मैंने ये बोल दिया कि इसको 2:5 में, किस में? 2:5 में कोई बिंदु है जो इसको 2:5 में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अगर इसको 7 सेंटीमीटर रखा जाए तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 और ये कितना हो गया? 7। ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6 और 7। टोटल रिजल्ट कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। आगे चलो, 2:5, 2:5 का मतलब कितना हुआ? पहले 2 काउंट करो, तो 1, 2, यहाँ पे कोई बिंदु होगा, क्या ले लिया? P। कौन सा बिंदु ले लिया? P, जो इसको कितने में विभाजित कर रहा है? 2, और इधर कितना है? 5। तो कितना आ गया? 2:5। आगे बात समझ में? 2:5। देखो इधर काउंट करो, 1, 2, फिर इधर काउंट करो, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5। आगे बात समझ में? तो इस पी बिंदु ने इसको कितने में विभाजित किया है? 2:5 में। आगे बात समझ में? तो इसको लिख देंगे अपन 2 और कितना? 5। पी बिंदु है जो इसको कितने में विभाजित कर रहा है? 2:5 में। तो अपन AP ratio BP देखें, कितना? AP ratio BP। तो AP का रिजल्ट कितना है? 2, और BP का रिजल्ट कितना है? 5। टोटल देखें क्या? AP plus BP, अगर इसको टोटल को मिलाएं तो
तो कौन सी भुजा बन रही है या फिर रेखाखंड बन रहा है? ए बी। देखो ए पी प्लस में बी पी, तो टोटल रिजल्ट कितना बना? ए बी। ये कितना है? दो। ये कितना है? पाँच। तो दो और पाँच कितना हो गया? सात। और रेखाखंड की लंबाई भी कितनी है? सात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई बिंदु होगा जो इसको दो बराबर भागों में भी विभाजित कर सकता है, दो अन्य क्या बिंदुओं में भी इसको विभाजित कर सकता है। तो अगर ये इस रेखाखंड के बीच में इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है तो इसको बोला जाएगा अंतः विभाजन। ठीक है, इसके कुछ निर्देशांक होंगे, इसके कुछ निर्देशांक होंगे। अब अपन इसमें देखो, ये मैंने कोई बिंदु लिया क्या ए, इसके निर्देशांक है एक्स वन वाई वन, आगे बात समझ। फिर एक अन्य बिंदु लेंगे क्या बी, ये लो अपन ने बी लिया, इसका निर्देशांक है एक्स टू और वाई टू, आगे बात समझ। अब इसके बीच में क्या है कि कोई बिंदु है, जैसे ये कोई रेखाखंड हो गया, इसके बीच में कोई बिंदु है, क्या है? पी। आगे बात समझ, इसको ले लिया पी। ये इन दोनों को देखो, जिस प्रकार से ये 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड थी, इसको 2:5 में विभाजित किया, ये बिंदु इसको कितने में विभाजित कर रहा है? एम वन और कितना? एम टू। इस रिजल्ट के अंदर क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से एक्स वाई का फॉर्मूला निकल के आएगा, किसका? एक्स वाई का, किस में? अंतः विभाजन सूत्र में, अंतः विभाजन सूत्र। और वो किसका होगा? अक्स का होगा। और किसका होगा? वाई का होगा। तो देखो अक्स का रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स वाई के लिए अपन लिख रहे हैं अक्स का रिजल्ट, तो क्या होगा? देखो आपको लेना है सबसे पहले बट्टे में क्या एम वन प्लस एम टू को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आगे बात समझ में। फिर यहाँ लिखो एम वन, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ यहाँ पे, क्या लिखा? एम टू। आगे बात समझ में, जो नीचे लिखा है एम वन प्लस एम टू, अक्ष के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या फिर अक्ष से दूरी निकालने के लिए। तो देखो एम वन एम टू ये लिखा, इसके मल्टीपल में क्या आएगा? अब यहाँ पे एक है तो अक्ष का क्या आएगा? दो। एम वन इंटू अक्ष टू, फिर यहाँ पे लिख देंगे अक्ष वन। आ गई बात समझ में, अक्ष वन अक्ष टू क्रम से क्या है? यहाँ पे अक्ष के बिंदु है, निर्देशांक है। फिर इसी प्रकार से वाई का रिजल्ट क्या आ जाएगा? वो ही क्या? एम वन प्लस एम टू, ये क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ऊपर की साइड एम वन प्लस एम टू। आगे बात समझ में, यहाँ पे लिखेंगे वाई टू और यहाँ पे लिखेंगे वाई वन, जो क्या है? इसके मल्टीपल में है। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट अंतः विभाजन सूत्र में क्या बना? ये बना कि इसको एम वन रेशियो एम टू में विभाजित कर रहा है। आगे बात समझ में, नोट लगा के लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र, क्या? अंतः विभाजन सूत्र, ये पढ़ रहे हैं अपन। इसमें फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है, जब क्या करें एम वन रेशियो एम टू में विभाजित करें, तो अक्ष का रिजल्ट क्या आएगा? एम वन अक्ष टू और क्या प्लस में एम टू, क्या लिखोगे? एम टू। एम टू अक्ष वन बट्टे में क्या लिखने वाले हो? एम वन प्लस एम टू, ये याद रखना आपको। अगर वाई के लिए ले तो वाई का रिजल्ट क्या आएगा? एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टे एम वन प्लस एम टू। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जब एम वन रेशियो एम टू में विभाजित करें। दूसरी बात, अगर इसको किस में विभाजित करें? के रेशियो एक, क्या? के रेशियो वन में। तो अक्ष के लिए क्या लिखेंगे? देखो ये क्या होगा? एम वन और क्या होगा? एम टू। ठीक है, इसी प्रकार से तो सबसे पहले तो नीचे ही लिख लेंगे अपन क्या? के प्लस वन। आगे बात समझ में, अब देखो ये है एम वन एम टू, तो यहाँ से क्या एम वन, एम वन की वैल्यू क्या है? एक्स, क्या है? के है, सॉरी, तो के के अक्ष टू
प्लस वन इंटू एक्स वन। आगे बात समझ में। इसी प्रकार y के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए ये रिजल्ट कितना है, तो ये होगा k y2 प्लस वन इंटू क्या लिखने वाले हो y1, बट्टे में क्या आएगा k प्लस में वन। अगर इसको और सरल करके लिखे तो ये आ जाएगा k x2 प्लस में x1 बट्टे में k प्लस वन। इसको और सोल्व आउट करके लिखें तो ये आ जाएगा क्या k y2 प्लस में y1 बट्टे में k प्लस वन। ये दो कंडीशन हो गई, क्या m1 रेशियो m2, दूसरी है k रेशियो 1। थर्ड है, थर्ड देखो बहुत ही इजी है, क्या अगर m1 रेशियो m2 का रिजल्ट क्या हो 1 रेशियो 1 हो, यानी कि इसको बोलेंगे संपूर्णतः अंतः विभाजन। कैसे, जैसे ये कोई रेखाखंड है, ये मान लो कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, इसको 1 रेशियो 1 में विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा ए बी बिंदु है, ठीक है, इसका कोई पॉइंट का बिंदु है, इससे इधर वाली भी दूरी समान होगी और इधर वाली दूरी भी क्या होगी समान होगी। आगे बात समझ में। जैसे इधर कितना है तीन है रिजल्ट, एक दो तीन हो गए ना, तीन टुकड़े एक दो तीन, इधर भी कितने हो जाएंगे चार पाँच छः, तो तीन टुकड़े इधर तीन टुकड़े इधर, इनको काटोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वन रेशियो वन, यानी कि m1 का रिजल्ट कितना है वन, m2 का रिजल्ट कितना है वन। तो यहाँ से x में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, x का रिजल्ट क्या आ जाएगा वन इंटू एक्स टू प्लस में क्या वन इंटू एक्स वन बट्टे में क्या आएगा वन प्लस वन, क्योंकि m1 प्लस में m2। इधर चलो y का रिजल्ट क्या आएगा वन इंटू वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन बट्टे में क्या आ जाएगा वन प्लस वन। और इसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख सकते हो आप x1 प्लस x2 बट्टे में दो, और इधर y का रिजल्ट लिख सकते हो आप y1 प्लस में y2 बट्टे में दो, ये रिजल्ट हो जाएगा। इन तीन सूत्रों को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपकी 7.2 की प्रश्नावली क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। 7.2 की प्रश्नावली आपको एक ही क्लास में पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इनको अच्छे से याद करो। जिस प्रकार से अपन ने 7.1 के अंदर दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी प्रकार 7.2 के अंदर विभाजन का सूत्र होगा, और वो भी कौन सा, ओनली फॉर अंतः विभाजन का सूत्र। आगे बात समझे। अंतः विभाजन का मतलब दो बिंदु हैं, इनके बीच में कोई बिंदु है, वो इनको क्या दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन थी m1 रेशियो m2, जो अपन ने निकाला है। फिर थी दूसरी कंडीशन k रेशियो 1, इसका रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट किया। तीसरी कंडीशन थी 1 रेशियो 1, तो तीनों का अलग अलग रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट ये, इसका रिजल्ट ये, ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट k वाली हो गई, k वाला ये है, ठीक है, और फर्स्ट वाले का क्या है ये है x1 रेशियो y, ठीक है। आपको ओनली फॉर फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, थैंक्स।